हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। कि मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, मार्केटिंग में क्या क्या एक्चुअली किया जाता है। मैंने तुमको ये तो बताया था, मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना और कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वो ध्यान रखना है। अब ये सब करने में क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, वो देखते हैं। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मार्केट से इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केट इज टू गैदर एंड एनालाइज मार्केट इन्फॉर्मेशन। दिस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर एंड टेक वेरियस डिसीजन फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेकिंग एंड एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एज थ्रेट एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले मार्केट में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि भाई किस तरह के लोग हैं, लोगों की क्या नीड्स हैं। अगर हम लोग इस नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएं तो ये प्रोडक्ट इस मार्केट में कैसे बिकेगा, ये मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी बोलते हैं ना थ्रेट्स हैं, यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि एंड हेल्प इन deciding what opportunity can best be pursued by it. For example, a rapid growth is predicted in several areas in Indian economy, say it in the use of the internet, market of the cell phones and several other areas. Which of these areas of particular organization should we enter? Or in which area should it expand? Require a careful scanning of a strengths and weakness of organization, which is done by help of careful market analysis. देखो ऐसा बोल रहे हैं कि एक बार आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखिए, उसके बाद देखिए कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ग्रोथ है, उस ग्रोथ को आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैपेसिटी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास उतनी स्ट्रेंथ है इस जो भी ग्रोथ या फिर जो भी है ना अपॉर्चुनिटी है उसको पकड़ने की। विद द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर अ न्यू ट्रेंड हैज इमर्ज इन द कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। मोर एंड मोर कंपनीज आर यूजिंग इंटरेक्टिव साइट्स ऑन द इंटरनेट टू गैदर कस्टमर व्यूज एंड ओपिनियन बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन। ऐसा बोल रहे हैं आज के टाइम पे इंटरनेट और कंप्यूटर इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है कि जो मार्केट इन्फॉर्मेशन या मार्केट एनालिसिस होता है ना वो इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। वो लोग कस्टमर से बोलते हैं ना रिव्यू मांगते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी नीड क्या है, आपको क्या चाहिए, उस बेसिस पे वो लोग अपना मेजर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ द पॉपुलर टीवी न्यूज़ चैनल सीक्स व्यूअर चॉइस ऑन विच ऑफ द फोर और फाइव मेन न्यूज स्टोरीज ऑफ द डे वुड बी ब्रॉडकास्टेड एज अ डिटेल स्टोरी एट द प्राइम टाइम टू इंश्योर दैट व्यूअर्स गेट टू लिसन द स्टोरी ऑफ देयर ओन चॉइस। ऐसा बोल रहे हैं अगर तुम लोग देखोगे कुछ प्राइम न्यूज़ चैनल वाले आजकल क्या कर रहे हैं, वो लोग है ना अपने ऐसे है ना कुछ ऑप्शन दे रहे हैं ऐसे और बोल रहे हैं कि SMS के थ्रू बताइए कि हम लोग किस टॉपिक पे बोले और किस टाइम पे बोले ताकि आप लोग उसको देख सके और आप वो चाहते हैं सुनना। तो ये क्या है, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। वो लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो लोग अपना मेन डिसीजन ले पाए कि भाई 8 से 9 सब लोग फ्री होते हैं, इस टाइम पे हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आगे आते हैं सेकंड, मार्केटिंग प्लानिंग। अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और एरिया ऑफ वर्क ऑफ मार्केटर इज टू डेवलप अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लानिंग सो दैट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव। फॉर एग्जाम्पल अ मार्केटर ऑफ अ कलर टीवी हैविंग 10% ऑफ द करंट मार्केट शेयर इन द कंट्री एम्स एट एनहांसिंग इज शेयर टू 20% इन द नेक्स्ट 3 years। ही विल हैव टू डेवलप अ कंपनी मार्केटिंग कवरिंग वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा एंड स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ऐसा बोल रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट काम जो उसको इन्फॉर्मेशन करने के बाद करना पड़ता है वो है मार्केट की प्लानिंग। प्लानिंग करना, आपने भाई प्रोडक्ट का बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल दिया, अब आप प्लानिंग करते हैं। जैसे कि सपोज़ एक टीवी वाला है जो करंटली 10% उसका मार्केट शेयर है कंपनी में, बट वो चाहता है कि उसको वो 20% लेके जाए। वो क्या करेगा, वो बाहर जाके एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो देखेगा कि भाई मैं किस तरह से मेरी प्लानिंग करूँ, मैं क्या क्या फीचर्स इंक्लूड करूँ कि आगे जाके 3 साल के अंदर मेरा 10% से शेयर 20% पे हो जाए। तो इसको बोलते हैं प्लानिंग करना, ताकि हम लोगों ने जो मार्केटिंग के गोल्स सेट किए हैं वो अचीव हो जाए। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अनदर इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटी और डिसीजन एरिया रिलेट्स टू प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर। अ गुड डिजाइन कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव इट कंपिटेटिव एडवांटेज इन मार्केट। फॉर एग्जाम्पल वैन वी प्लान टू बाई एनी प्रोडक्ट से मोटर बाइक, वी डू नॉट सी इट्स फीचर लाइक कॉस्ट माइलेज बट ऑल्सो सी द डिजाइन एस्पेक्ट लाइक इट शेप एंड सेट। ऐसा बोल रहे हैं थर्ड जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और उसका डेवलपमेंट। ऐसा बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट तभी खरीदा जाता है जब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। कस्टमर
बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना प्रोडक्ट, बोलते हैं सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा क्या होता है ऐसे खींचता है अपने पास, वो खींचता है बिकॉज उसका डिज़ाइन इतना स्ट्रॉन्ग है। तो डिज़ाइनिंग भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मार्केटिंग को देखना पड़ता है। ऐसा बोल रहे हैं सपोज अपन जब एक बाइक लेने जाते हैं तो अपन उसका प्राइस और ये सब तो देखते हैं, पर अपन ये भी देखते हैं कि वो जो बाइक है उसका शेप कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उस बेसिस पे अपन उस बाइक को खरीदने में अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट भी मार्केटिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फोर्थ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन विच हेल्प इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर दैट बायर दैट गुड्स कन्फर्म टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी प्राइस एंड पैकेजिंग एंड रिड्यूस द नीड फॉर इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि भाई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उसको वो लोग हर प्रोडक्ट में सेम रखते हैं। तो होता क्या है ना, उन लोगों जो कस्टमर्स होते हैं ना, कस्टमर को एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलता है, उसको हर प्रोडक्ट में बोलते हैं ना क्वालिटी चेक नहीं करनी पड़ती, उनको हर प्रोडक्ट में इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ता। तो क्या इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करते हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट करने की ट्राई करते हैं। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज। ग्रेडिंग इज अ पर्टिकुलर नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट विच आर नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन सच एज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से वीट ऑरेंजेस। ग्रेडिंग इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइस फॉर हायर क्वालिटी आउटपुट। ऐसा बोल रहे हैं कि कहीं पे है ना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, कहीं पे है ना ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग मतलब वो लोग प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि वीट है ना सेम क्वालिटी का नहीं होता, तो वो लोग हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी वीट्स में ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं। तो इस तरह से या फिर आप स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए या फिर आप ग्रेडिंग कीजिए, तो उससे क्या होता है ना कस्टमर को पता चलता है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट बाय कर रहा है और वो किस तरह का उसको प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, वो कौन सा प्रोडक्ट बाय करके सेटिस्फाई होगा। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ग्रेडिंग किस बेसिस पे होती है, साइज के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है। Packaging and labeling. Packaging refers to designing and developing the package for products. Labeling refers to designing and developing the label to put on the package. Packaging मतलब भाई अपन प्रोडक्ट को कैसे पैक करेंगे उसको पैकेजिंग बोलते हैं। लेबलिंग मतलब जो हम लोग उसको लेबल पुट करेंगे उस पैकेज के ऊपर, उसको हम लेबल बोलते हैं। लेबल सिंपल टैग से लेके कॉम्प्लेक्स ग्राफिक, मतलब सिंपल सा टैग भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स डिजाइन भी हो सकती है, लेबल अलग अलग टाइप के होते हैं। Packaging and label has become so important in modern days marketing that they are considered as pillars of marketing. Packaging is important not only for the protection of products but also serves as promotional tool. Sometimes the quality of product is assessed by the buyer from packing. We have seen that success of many customer brands in recent times such as Lay's, Uncle Jay Potato, Vapors, Clinic Plus Shampoo and Colgate Toothpaste etc. Packaging has played an important role. ऐसा बोल रहे हैं आज के टाइम पे कस्टमर सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटी नहीं, जबकि पैकेजिंग से भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भाई पैकेजिंग प्रोडक्ट को बेचने में एक पिलर, बोलते हैं ना पैकेजिंग आज के टाइम पे मार्केटिंग का एक पिलर बन गया है। आप जितना सुंदर पैकेजिंग करेंगे ना, कस्टमर्स वो पैकेजिंग के बेसिस पे भी कभी कभी क्वालिटी जज करता है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होती है ना, कस्टमर सोचता है कि ये प्रोडक्ट उतना ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा है। मोर ओवर पैकेजिंग आप लोगों के प्रोडक्ट को सेफ रखने में भी हेल्प कर रहा था। सोचो ना अगर जो कोलगेट है वो लोग ऐसे ही बिना पैकेट के बेचे तो कोलगेट का तो पूरा मतलब शेप ही बिगड़ जाएगा, तो इसीलिए कोलगेट को एक पैक में बेचा जाता है। तो ऐसा बोल रहे आज के टाइम पे बहुत सारे जो लेज वाले, अंकल चिप्स वाले, इन लोगों ने अपना नाम कैसे कमाया, बिकॉज ऑफ सुंदर पैकेजिंग एंड परफेक्ट पैकेजिंग। ब्रांडिंग, सिक्स पॉइंट है ब्रांडिंग। इसके बाद ब्रांडिंग, ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें हम लोगों को डिसीजन लेना होता है कि हम जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे जनरल नेम में बेचने वाले हैं या फिर हम लोग जैसे ये पेन से नॉर्मल कैटेगरी में बेचने वाले हैं या फिर हम लोग उसको एक ब्रांड नेम प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि फाउंटेन जो पोलार पेन्स होते हैं, जो रोमैक, तुम लोगों ने बहुत अलग अलग नाम के जो बहुत फेमस पेन्स है वो देखें, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग किस ब्रांड से हम लोग है ना इस पेन को बेचने वाले, जनरल नाम से या फिर एक ब्रांड के नाम से। ब्रांड हमारे प्रोडक्ट को दूसरे लोकल प्रोडक्ट से बोलते हैं ना डिफरेंशिएट करने में हेल्प करवाता है। मोर ओवर कस्टमर ब्रांड को ज़्यादा ट्रस्ट करता है और कस्टमर जब एक ब्रांड के टूवर्ड लॉयल हो जाता है ना तो हमेशा उसकी सेल्स बढ़ती है। जैसे कि अगर किसी को ऐसा है कि मेरे को ज़ारा से कपड़े खरीदने हैं तो वो ज़ारा से ही खरीदेगा, तो इस वजह से ब्रांडिंग एक प्रोडक्ट को बेचने में कभी कभी बहुत हेल्प करता है। अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर को वो ब्रांड समझ आ जाती है तो वो ब्रांड के टूवर्ड बहुत लॉयल रहता है। द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरियाज इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग इंक्लूड, जैसे बोल रहे ब्रांडिंग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या क्या है,
deciding the branding strategy, say whether each product will be given a separate brand name or the same brand name will extend to all products of the company, say Philips Tube, Tubes and Television, or Videocon washing machine, television and refrigerator. Selection of brand name plays an important role in success of the product. ऐसा बोल रहे हैं कि branding के time हम लोगों को बहुत सारे decisions लेने पड़ते हैं कि भाई ये जो हमने brand name select किया है वो हमारे हर product पे same होगा या अलग अलग category product पे हम लोग अलग अलग type के product का branding करेंगे. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक product को marketable बनाने में बहुत ज़्यादा help करता है. Second है customer support service. सेवन्थ में कस्टमर सपोर्ट सर्विस में ये बोला गया है कि मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कस्टमर सपोर्ट सर्विस. उसमें उन लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब भाई अपने प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट के बाद बेचने के बाद उसकी सर्विसिंग रिलेटेड जो सर्विसेज है वो कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर की कंप्लेंट्स देखना, कस्टमर के जो क्रेडिट्स है उसको देखना, कस्टमर का टेक्निकल इश्यूज़ को हैंडल करना, कस्टमर को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रोवाइड करना. तो बेसिकली कस्टमर सपोर्ट सर्विस में कस्टमर को अपन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं, जिस वजह से अपन लोगों का बोलते ना मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है. बिना कस्टमर सपोर्ट सर्विस के कोई भी प्रोडक्ट को बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. इसलिए कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कस्टमर को अपने लिए ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करवाने के लिए. ठीक है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. एक बार आप लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया, सब कर दिया, अब प्रोडक्ट का प्राइसिंग करना है. प्राइसिंग मतलब जो कस्टमर से आप पैसा मांगने वाले हैं वो. प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे आपकी सेल डिटरमाइन होती है. जनरली अगर आपकी प्राइस हाई होगी तो आपकी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस ज़्यादा कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी. ये दोनों हमेशा बोलते हैं ना इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में. तो ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केटर को एक बार देखना चाहिए कि भाई वो कौन से लोगों को टारगेट कर रहा है, उस बेसिस पे उसको अपनी प्राइस डिसाइड करनी चाहिए. मोर ओवर उसको पूरे इंडस्ट्री में क्या रेट चल रहा है वो भी देखना चाहिए, उस बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन करना चाहिए. वरना क्या होगा, अगर वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्राइस रख देगा तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं. तो ये जो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो उसको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए लेना चाहिए. प्रमोशन. प्रमोशन मतलब अब आपने प्रोडक्ट बना दिया, उसकी प्राइस डिसाइड कर ली, अब आप लोगों को उसको लोगों तक पहुंचाना है. लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है. प्रमोट करने के लिए मतलब प्रमोशन मतलब समझो एडवर्टाइज़ करना. एडवर्टाइज़ करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती है. सबसे पहले एडवर्टीजिंग मतलब टीवी के थ्रू, पर्सनल सेलिंग लोगों को जगह जगह भेज भेज के, पब्लिसिटी मतलब होर्डिंग्स और लगा के, और सेल्स प्रमोशन मतलब डिस्काउंट्स और दे के. तो ऐसे बोले अलग अलग मेथड्स है जिसके द्वारा हम प्रमोशन कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचा सकते हैं. ऐसा बोल रहे हैं प्रमोशन मिक्स मतलब अलग अलग प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़ को मिक्स करके हम लोग एक अच्छा सा प्रमोशन टूल बना सकते हैं, और प्रमोशन बजट के अंडर में हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट क्या हो सके, लोगों तक अच्छे से पहुंच पाए और लोग उसके लिए लॉयल हो पाए, लोगों को उसके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चालू हो जाए. आते हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन पे कि आपने भाई प्रोडक्ट बना दिया, उसकी पैकेजिंग कर दी, उसकी प्राइसिंग कर दी, उसको प्रमोट भी कर दिया, अब प्रोडक्ट लोगों तक जाएगा कैसे, लोगों तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. मैनेजिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द टू मेजर डिसीजन एरियाज अंडर दिस फंक्शन इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज और फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वेर इट इज प्रोड्यूस टू द प्लेस वेर इट इज रिक्वायर्ड टू बी बाय द कस्टमर फॉर द कंजम्पशन और यूज. द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरियाज अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड स्टोरेज, वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वन प्लेस टू अनदर. क्या बोल रहे हैं कि भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दो मेन डिसीजन है कि भाई आप किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. आप खुद अपनी प्रमाइसिस खोलने वाले हैं या किसी होलसेलर को ये डील देने वाले हैं, तो आप किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. दूसरा डिसीजन कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम भाई इसका जो फिजिकल मूवमेंट होगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर वो किस तरह से करवाएंगे. मोर ओवर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसके अंदर ये है कि भाई आप लोग किस तरह से इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, वेयरहाउस स्टोरेज किस तरह से करेंगे, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट करवाएंगे. ठीक है, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे. ट्रांसपोर्टेशन मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मतलब अपने जो कस्टमर्स है वो जियोग्राफिकली वाइड एरिया में फैले हुए हैं. अब अपन लोग इन तक किस तरह से गुड्स पहुंचाएंगे उसका अपन को पहले से दिमाग में होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि भाई आसाम का कोई बंदा है बोले मुझे गुड्स चाहिए और तुम लोग बोलो नहीं यार हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं करवाते. आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए आप किस तरह से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाने वाले. मार्केटिंग फर्म हैज़ टू एनालाइज इज ट्रांसपोर्टेशन नीड्स आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन वेरियस फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट एंड लोकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट एंड टेक डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू चूज एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट. ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मार्केटिंग ये जो ट्रांसपोर्टेशन का डिसीजन है ना वो लोग उनको क्या देखना पड़ेगा, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट करें, किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनको वो
पर्टिकुलर एरिया में वो प्रोडक्ट बेचना है कि नहीं बेचना है, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में वो प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से करवाएंगे और कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रक के थ्रू, एयर के थ्रू, कौन से थ्रू उन लोगों को सबसे मिनिमम कॉस्ट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का। लास्ट है स्टोरेज एंड वेयरहाउस। ज़रूरी नहीं है अगर कोई प्रोडक्ट बन गया तो वो बिक ही जाता है, टाइम गैप होता है जनरली प्रोडक्ट का बनने में और प्रोडक्ट का बिकने में, तो उसको अपन को उस टाइम तक स्टोर करके रखना पड़ता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ इरेगुलर डिमांड फॉर प्रोडक्ट सच एज इन केस ऑफ वुलन गार्मेंट्स और रेन कोट्स, और देर में भी इरेगुलर सप्लाई बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन सच एज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इन ऑर्डर टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट देर इज अ नीड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट, फर्दर देर इज अ नीड फॉर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट स्टॉक ऑफ गुड्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनअवॉइडेबल डिले इन डिलीवरी और टू मीट आउट कंटिजेंसीज इन द डिमांड। इन प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द फंक्शन ऑफ स्टोरेज इज परफॉर्म बाई डिफरेंट एजेंसी सच एज मैन्युफैक्चर, होलसेल एंड रिटेल। ऐसा बोल रहे हैं कि स्टोरेज का किस तरह से आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट को, बिकॉज कोई कोई प्रोडक्ट की डिमांड इरेगुलर होती है तो उस ड्यूरेशन में आप अपने प्रोडक्ट को जला तो नहीं सकते, फेंक तो नहीं सकते, आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो आप उसको किस तरह स्टोर करेंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है आपके पास एडिक्वेट स्टॉक है, ताकि जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो आप लोग बोलते ना पूरा आपका स्टॉक खत्म नहीं हो जाए, आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। मोर ओवर बहुत सारे लोग बोलते हैं ना स्टोरेज किसके थ्रू होता है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज है जो स्टोरेज का काम परफॉर्म करती है, होलसेलर भी स्टोर करता है, मैन्युफैक्चरर भी स्टोर करता है, रिटेलर भी स्टोर करता है। तो ये स्टोरेज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो मार्केटिंग वाले को परफॉर्म करना पड़ता है, जो मार्केटर को परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये तुम्हारे 12 चीज़ हो गई जो तुम्हारे फंक्शंस है, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं क्या क्या हो गया। सबसे फर्स्ट आता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, सेकेंड है मार्केटिंग प्लानिंग, थर्ड है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फिफ्थ है पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सिक्स है ब्रांडिंग, सेवेंथ है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, एट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, नाइन्थ प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्वेल्थ है तुम्हारा स्टोरेज एंड वेयरहाउस। ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। कल अपन रोल ऑफ मार्केटिंग वाला पार्ट, ये पूरा मार्केटिंग मिक्स वाला पार्ट पूरा खत्म करेंगे।